पापा जा रहे हैं गाड़ी की सर्विस करवाने। पापा कहते असी रोज नहाते हैं तो गड्डी नूं ते सानूं नहलाना चाहिए। बाय बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। वेलकम टू टुडेज व्लॉग, स्वागत है आपका। एंड शुरुआत हो चुकी है आज दिन की। पापा गए सर्विस कराने गाड़ी की, मम्मा लगे अंदर किचन में और मैं कपड़े शपड़े लेके बस जा रही थी, नहाने की तैयारी थी। तो पापा बोलते गेट शेट बंद कर दे, मैं जा रहा हूँ। फिलहाल करते हैं काम खत्म अपने और थोड़ा रेडी शेडी होके मिलते हैं आपसे। मम्मा कहाँ जा रहे हो यार? बाहर जा रहा, फ्रूट फ्रूट खत्म हो गया थोड़ा। रुको जाओ ना, स्कूटी पे चलते हैं। चलो ले आऊंगी, धूप है, स्कूटी पे चलते हैं। सुनते नहीं है ना फिर यार, देखो निकल गए। मैं ऐसे पीछे बोलती रहती हूँ, निकल जाते हैं। सो गाइज, फाइनली मेरा टाइम आ गया और मैं आ गई थोड़ा सा इंसान बन के। अभी मैंने कुछ सिर धोने का प्लान नहीं था, सिर धो लेते हैं, काफी देर से सिर धोया भी नहीं था। फिर मैंने सिर धो लिया एंड अभी तो आफ्टरनून हो गया, मैं टाइम भी नहीं बता सकती क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया है। एंड मम्मा पापा दोनों आ चुके हैं। अभी फिलहाल मैं लैपटॉप का काम स्टार्ट करने वाली हूँ एंड आज होने वाला है बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा प्रैंक। किसके साथ ये बताऊंगी, क्या प्रैंक होगा वो भी बताऊंगी। ऐसा लग रहा है पापा ने कार की सर्विस कराई, साथ साथ में लैपटॉप को भी भेज देना चाहिए था, सर्विस की जरूरत पड़ी है इसको। सो यार, मैं तब से पढ़ ही रही थी एंड पढ़ते पढ़ते टाइम हो गया 1:45 एंड अभी मम्मा ने आवाज मारी, आ जाओ लंच कर लो। अंशी दी उठना पागल, अभी तो लेटी हूँ, लेटन दे। हाँ अन्नी, तू पता क्या खेलेंगी, लेट शामी खेलेंगे। ये मेरा पुश्तैनिक नाइट सूट है, अकबर ने मुझे दिया था। दीदी झूठ बोल रही है यार तू मुझे। दीदी चल ना खेल ले यार, बंद करे, रोज सीधे ऊपर निकाल देती है। खेलती है ये, यूकेजी की लड़की छोड़ के गई थी मैं, आए थे सेवा कर मेरी। सो गाइज, हमने कर लिया लंच एंड मैं अंदर से बाहर आ गई क्योंकि अंदर अर्शी थी, जैसे कि मैंने आपको बोला था वहां से आवाज जा रही थी ना, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद है बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आज प्रैंक करने वाली हूँ कुछ अर्शी पे एंड उसके लिए मुझे थोड़ा सामान लेने जाना पड़ेगा बाहर, है ना, क्योंकि अर्शी तब घर पे नहीं थी। मुझे लगा आराम से कर लूँगी, तब मम्मा भी चले गए बाहर, पापा भी चले गए, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। टाइम आ गया, 3 बज गए हैं तो अभी घर आ चुकी है, अभी जाऊंगी। अभी धूप है तो उसको शक हो जाएगा कि इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी है उसको बाहर जाने की। तो जैसे थोड़ी धूप ढलती है शाम को उठ के जाके मैं लेके आती हूँ सामान। सामान कुछ खास नहीं है, छोटा सा ही प्रैंक है, देखते हैं फिर यार क्या होता है, बड़ा मजा आने वाला मुझे ऐसा लग रहा है। अरे मम्मा गुड इवनिंग गाइस, कोई भी नहीं है, डॉक्टर का डालना ठीक है। ठीक है, नहीं कोई पूछ रहा था, डॉक्टर बताओ यार अगर आपको फर्क दूंगी ना प्रिस्क्रिप्शन आपको। गाइस आज हम खा रहे हैं चाय के साथ फ्रूट बन, आज अलग चीज खा रहे हैं हम, थोड़ा चेंज करते हैं। 5:15 हो गए हैं, ना पापा ना मम्मा ना मैं ना अर्शी, है ना, कोई भी नहीं सोया ना मम्मा आज। मेरी अर्शी दीदी, मेरी अर्शी दीदी, इसने बोल बोल के मुझे शर्ट चेंज करा, काम कराती है सारा। अर्शी दीदी आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, आई एम योर एनिमी। इसने मुझे शर्ट चेंज कराई है, अभी बोल बोल के शर्ट चेंज कर मुझे, क्योंकि अभी हम चैलेंज करने जा रहे हैं। गाइस गेट रेडी। सो गाइज, हमने अभी पी ली चाय वाय एंड मैं ऐसे ही मस्ती कर रही थी, अर्शी के साथ तंग कर रही थी उसको। एंड मम्मा और पापा जा रहे हैं डॉक्टर के पास, जैसे कि आपको बताया था, मतलब मम्मा को भी पेन नहीं है, पेन ठीक है, तो 5 दिन के बाद डॉक्टर ने बोला था फिर से चेक कराना है, तो फिर वो बताएंगे आगे क्या टेस्ट करवाने हैं या नहीं, कुछ भी जो भी है। तो मैं सोच रही हूँ जो हमने प्लान बनाया था वो अभी मम्मा पापा निकलेंगे उसके बाद करेंगे, तो बताऊंगी क्या करने वाली हूँ मैं। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि इतनी देर जाके शॉप से लेके आऊँ सामान जो मेरे को चाहिए, स्टेशनरी से सामान लाना है कुछ मेरे लिए ना, एक ब्लू पेन है, रन दे। अभी जरा जाते हैं, स्टेशनरी पे काम है, तेरे को तो नहीं चाहिए कुछ है? ओके चलो गाइस चलते हैं फिर। अभी पापा और मम्मा जाने वाले हैं, मैंने सोचा मैं स्कूटी पे चल जाती हूँ। गुगली गड्डी थले ना आई, गुगली दिख रही है, कितनी प्यारी लग रही है गुड़िया हमारी, शाइन कर रही है गुड़िया। पता नहीं सर्दियाँ कब आएंगी, अभी तक इतनी धूप फैली हुई है, 6 बजने वाले हैं। गाइज मैं आ गई लेके, आपको बताती हूँ। यार अर्शी स्टेशनरी बंद थी, क्यों काम ही नहीं हुआ, स्टेशनरी थी इस टाइम खुली हुई है, पीछे ही कार है पागल। यार मतलब कुछ मतलब बनाइए डिफरेंट, एक चैलेंज करिए, फूड ईटिंग चैलेंज विद इन सम मतलब टाइम, जिस तरह कुछ सेकेंड रखे ना, तो जिस तरह बिस्किट ला लेता या कोई चिप्स ला लेता कि कौन है, बिस्किट खाना क्या चैलेंज है, तो रखेंगे ना 10 सेकंड में कौन खा सकता है, और जो जीतेगा उसको प्राइस भी मिलेगा 500 रुपीज़। सच
सच बोल रही हूँ। ठीक है, बिस्किट रखूँ क्या रखूँ? और जो चैलेंज है ना, जो हमने सामान मोनिका से लाना है वो भी हम करेंगे, बट सामान लाने के बाद। वो तो ऐसे ही चैलेंज पागल पागल वो तो करेंगे ही, अभी हमारे पास अभी वो है नहीं ना सामान, तो और जो अंदर पे जिया बिस्किट मिक्सर पे देते उससे कर सकते हैं कि कौन पहले मतलब विद इन टाइम लिमिट से खत्म करेगा। फिर बिस्किट मिक्सर तो सारे खा लेंगे, कुछ नहीं होता करके देख लेते हैं। जिस तरह ओरियो बिस्किट से पे देन है ना, उन अगर 10 सेकंड से रखी पूरी ढेर लगा दा अगर 5-6 बिस्किट करके पांदे चलो इस तक ही है। पागल है, कोई भी चैलेंज मतलब कुछ भी ले, कुछ नहीं होता पागल। देख जो साडे को इसलिए अंदर सामान है सी उस तो कुछ क्रिएट कर सकते हैं ना, जरूरी है कुछ वैसे ही कर मतलब ले आना या कुछ वैसे। अरे ये तो मेनू बड़े कुछ बोरिंग लग रहा है। बोरिंग खाओ मिक्सचर खाओ पागल, करके तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। पूरा ट्राईपॉड ला के पूरा असी रखांगे किन्ने मतलब सेकंड्स ते किन्ना वो करते, 5 सेकंड रख लेंगे, चल 5 नहीं 10 ते रखने पैणगे। करके तो देख एक बारी ट्राई, 10 सेकंड में पूरा पैकेट खाओ। हां 10 सेकंड ते पूरा पूरा पैकेट करना है, एक थोड़ा ना खाना है, 5-6 बिस्किट होंगे कि एक पैकेट ते करते पता चलेगा। ठीक है तू देर कर काम, फिर मैं देखती हूं क्या है अंदर खाने के लिए। गाइस कन्विंस ही नहीं हो रही थी, कहती वैसे कह तो ठीक रही थी है ना, जैसे अगर 10 सेकंड में गोल गप्पे बहुत सारे रखे हों तो बंदा बोले कितने खा सकता है या कुछ और कोई चीज़ें हों। अब मैं उसको बोल रही हूँ चिप्स बिस्किट खाने हैं, तो बोली चिप्स बिस्किट तो मैं ऐसे ही भर के खा जाऊँगी, बड़ी मुश्किल कन्विंस करा। चल करके देखते हैं, कुछ नहीं होता, चाबी भी अभी मेरे हाथ में स्कूटी की। तो फिलहाल मैं क्या करने वाली हूँ मैं अब आपको बताती हूँ। तो ये दो मैंने पैकेट्स लाए हैं ओडियो के, अब इसमें मैं क्या करने जा रही हूँ, समझदार हो, मैं क्या करने वाली हूँ ओरियो, कुछ ओरियो बिस्किट्स के बीच में क्रीम होती है ना वाइट, उसकी जगह टूथपेस्ट डालने जा रही हूँ, लाइक कोलगेट या हाँ उसी वाइट कलर की है ना। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्ट ऑफर करती ये ले खा तो इसका मन क्या पता होता खाने का, नहीं होता, इसलिए मैंने वो रिस्क नहीं लिया। तो मैंने बोला चैलेंज करते हैं, इसलिए मैंने चैलेंज रखा। तो फिलहाल क्या वो अभी लगी हुई है अपने काम में बड़ी शिद्दत से, मम्मी पापा भी चले गए, तो फिल करती हूँ क्रीम को टूथपेस्ट के साथ। पहले टूथपेस्ट ढूंढू क्योंकि अंदर रेड वाली पड़ेगी, अब वाइट वाली भी ढूंढनी पड़ेगी। यार गाइज यहाँ आई थी ढूंढने पर ये ग्रीन कलर की है। गाइज इधर मेरे को ये मिली है पर ये ऑलमोस्ट खत्म है, बट है इसके यहाँ तक ना है टूथपेस्ट। गाइज ये पड़ रही है, तो मैं ले आई हूँ दोनों प्लेट्स। यार ये रहा हमारा कोलगेट और ये हमारे बिस्किट्स। सो गाइज मैंने ये अरेंज करके रख दिए दोनों, अब मुझे बस यही ध्यान रखना कि उसकी प्लेट कौन सी होगी, मेरी पता चले स्वैप हो गई मेरे को ही खाना पड़ गया है, वो खाने देती हूँ यार उसको है ना। तीसरे में डालती हूँ और चौथे में, दोनों में डालती हूँ टूथपेस्ट। तो ये मैंने खोला, इसमें है क्रीम, या मन कर रहा है क्रीम को खा लूँ पर चलो। तो गाइस लगी है बंद कर देती हूँ और एक और कर लेती हूँ ये वाला। ये उसके ऊपर ये दो, इसके ऊपर ये दो, ये अर्शी का बंडल हो गया रेडी, ये हो गया मेरा। मैं ना ट्राईपॉड लगा के ड्राइंग रूम में ले जाती हूँ और उसको बोलती हूँ चल हम चैलेंज स्टार्ट करते हैं। सो गाइज मैंने प्लेट्स यहाँ पे अरेंज कर दी हैं, मेरे को और कुछ मिला नहीं घर पे, तो चिप्स वगैरह थे मुझे लगा वो तो एकदम से खाए जाते हैं। कितना टाइम रखना चाहिए, 10 सेकंड काफी है? 20 सेकंड रखते हैं गाइज, और जो पहले खत्म करेगा सब बिस्किट्स को ठीक है उसको इनाम मिलेगा। सो गाइज हम है एकदम तैयार, अर्शी लगाएगी टाइमर, 20 सेकंड का टाइमर सेट होगा ठीक है। हाँ, पूरी, मतलब जो पूरी पाइल जल्दी, और दोनों में सेम नंबर ऑफ बिस्किट्स हैं ठीक है। तो स्टार्ट कर, अभी जीरो पे है, पता नहीं वहां से विजिबल है कि नहीं, कर दे छाप पे पहले उठे बांधते हो गए 30 सेकंड रख रहे हैं 30 सेकंड गाइस 30 हो गए, देखते हैं कौन कितने सेकंड में खाता है, ये रखते हैं जो पहले खाएगा 38 हो गए हैं।
पूरा मीठा मीठा हो गया है। क्रीम क्रीम बोलती ना क्या खा रही है, ये तो आराम से खा जाएगा। क्या हुआ? वो लग रहा है गंदी है क्रीम। गंदी गंदी किसने सुन लिया? जैसे वो नहीं ना हैप्पी डेंट। गाइस एक सतारा हुए थे, मैंने दो ही खाए थे, मतलब ढाई खाए थे और इसके दो रह गए थे, ये तीसरा था। पर तीसरा खराब है यार, पहले दो ठीक थे। क्या है ये यार, इस विच कुछ पेद है। खराब है क्या? पहले दो तो ठीक है, ये वाला खा के देख। यार मादी सारे विच कुछ पेद है। क्या पेद है, पागल है क्या? मैं ड्रामे कर रही है गाइस। एक खा। क्या खाऊं यार, इस विच कुछ पेद है यार, तू पाएगा कुछ? मैं क्यों पाऊंगी, पागल है क्या? पागल है, हैप्पी डेंट पेस्ट पेस्ट लग रही है कुछ। हैप्पी डेंट है नहीं इधर हमारे घर में, कौन हैप्पी डेंट यूज करता है, पागल है क्या? मैं कह रही हूं हैप्पी डेंट की तरह है, फ्रेश फ्रेश जो कुछ है। खाए खाए कि मैं क्यों खा? तू खा। मैं क्यों खा? मैंने कुछ नहीं किया है। पागल खा के देखना यार। यार नहीं खा सकता। खा के देख। पागल है क्या? है यार इस विच नहीं खा रही विच। ये तो नहीं लग रही है। कहां है यार, तेरे को वहम हो गया? खा के देख एक बारी फिर से। पागल है विच कुछ ना कुछ। के पता एंड वाले खराब होनी यार, इना विच है यार, एक फिर खा के देख, कोई एक से चुके खा के देख। ठीक है पूरा खाना यार। हाँ पानी पी के आई मैं। गाइस बहुत ही ज्यादा गंदा टेस्ट है, मतलब मेरे को मन मतलब हिम्मत नहीं रिमूव में डालूं। रुक जा यार, मैंने फ़ोन निकाल लिया वहाँ से, हालत देखो, मतलब इसमें मैंने पेस्ट डाली थी जैसे आपको बताया था, और लगी हुई है इधर पता नहीं क्या करने, कुरले कर रही है। खाना सारे दिन पता चलेगा क्यों गया इतना। खा के देख खुद खा नहीं रही है, पाएगा तो कुछ इस बीच पक्का। मैं क्या पाएगा, पागल है ये? खा ना फिर, खा क्यों नहीं रही है? खा क्या नहीं रही है? मैंने अपने ठीक है, मेरे किए खराब हो गए। फिर दो नहीं खाते पहले, तू ठीक नहीं सन? एवला खा के देखे भी ठीक है, बीच में हो सकता है कुछ गड़बड़ की हो दुकान वालों ने। हाँ दुकान वाले पैकेट खोल के गड़बड़े करते हैं ना। एवला तो ठीक है, बोल क्या किया? कुछ नहीं किया। बोल कुछ नहीं किया। बोल कुछ ना कुछ कितना है, बोल क्या कितना है यार। और मैंने इसको पेस्ट मिला के खिला दिए गाइस, जैसे कि आपको पता ही है इसमें हमारा आज ओरियो का प्रैंक चल रहा था, ओरियो प्रैंक विद टूथ पेस्ट। वॉमिटिंग आ रही है उसको स्मेल करके ही। अर्शी प्रैंक हो चुकी है गाइस एंड मिशन इज सक्सेसफुल। अरे चल एक थंबनेल तो दे दे अच्छा सा। मैंने नहीं देना। दे दे यार। गाइस इरिटेट हो गया कुड़ी बेचारी। हाय गाइस यार क्या हो गया अब? क्या हो गया? अच्छा क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया? गाइस भी शामिल थे, गाइस को सुबह से सारी प्लानिंग का पता था। कब सुबह से? सुबह से जब मैंने बताया था अर्शी पे प्रैंक करूंगी। दोस्त दोस्त ना रहा। माँ भी आ गई अंदर, चलो मिलते हैं जरा देखते हैं क्या कहा डॉक्टर ने। अभी अर्शी तो यार बड़ी चप गई है मेरे पे यार, मार देगी, मेरा सामान बाहर फेंक रही थी यार डॉक्टर ने।
डॉक्टर कहता है 10 दिन खाओ, MRI करवाने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, जो लोग पूछ रहे थे मम्मा से कि आप कहाँ से कंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि मम्मा को काफी ज्यादा फर्क पड़ा है, तो ये हॉस्पिटल है, नेशनल हॉस्पिटल, एयरपोर्ट रोड, करनबाग, एंड ये टेलीफोन नंबर है। और ये भी कंप्लीट वो पेन किलर्स नहीं है, इसमें कुछ जो है वो मिनरल विटामिन्स, कुछ जो है विटामिन B12 वगैरह। सो गाइज, मजा आया कि नहीं? हर्षी गॉट प्रैंक एंड बोल रही है बदला लूंगी, मतलब बता कभी नहीं बताऊंगी क्या। तो यार मेरे को तो बड़ा मजा आया, मेरे को लग रहा था कि उसको शायद पता चल जाएगा पहली बार में, पर उसको ऐसे लग रहा था कि क्रीम खराब है, मतलब हो सकता है कुछ बिस्किट में ही डिफेक्ट है पैकेट में। आजा यार। गाइज अर्शी नहीं आ रही, कभी मैं नहीं आ रहा ब्लॉग। आजा यार कुड़िए। तो गाइज आज अर्शी पे हमने किया बहुत ही मजेदार प्रैंक। अर्शी मजा आया कि नहीं? आधी होंगी, आधी होंगी, मैं कितनी आधी होंगी। और फाइनली जो मैंने सुबह का सोचा था मैंने पूरा भी किया, एंड अर्शी को मैंने फूल बना दिया, प्रैंक कर दिया मैंने इस पे। इसका भी फूल बनाऊंगी बड़े अच्छे से, गुलाब, लोटस, सब फूल बनाऊंगी इसका। तो गाइज फिर हमने डिनर किया, उसका गप्पे शप्पे मारी, बस अब सोने लगे हैं हम, क्योंकि दिन में भी नहीं सोए। तो गाइज ऐसे ही लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, बाय बाय, टेक केयर।